अभी तक सोनी इकलौता स्मार्टफोन कंपनी है जो हम सबके लिए सस्ते दामों में स्मार्टफोन प्रोवाइड करती है, लेकिन शायद ऐसा अब लगता है कि वो इकलौता कंपनी नहीं रह जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना की एक नई कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बजट लेवल के स्मार्टफोन को ही बनाएगी और सोनी को फेस टू फेस टैक कर देगी। और उस कंपनी का नाम है वीके वर्ल्ड मेक, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला चीपेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। मात्र $100 का वो फोन है जो चाइना से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, हम बात करने वाले इस फोन के बारे में कि इस फोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और कब से परचेज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। हाय, दिस इज संतोष एंड यू आर वॉचिंग टेक्नो अड्डा। इस फोन का नाम है वीके वर्ल्ड मिक्स प्लस 4G फैबलेट। स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको इस फोन में देखने को मिलता है। 5.5 इंच का HD IPS डिस्प्ले 2.5D कर्व ग्लास के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिससे कि आप अच्छी पिक्चर जो है क्लिक कर सकते हैं। ऐसा जो है चाइनीज फोन का कहना है, पता नहीं चाइनीज फोन में अच्छा पिक्चर आता है, मजाक कर रहा हूँ। 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया, जिसको आप 64GB तक एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड लगा करके एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रोसेसर आपको क्वाड कोर मीडियाटेक का MT6737 मिल जाएगा, जो कि सभी चीपेस्ट फोन में आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉइड नोगट 7.0 आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा इस डिवाइस में, आपको अपडेट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप इसमें 2 4G सिम यूज कर सकते हैं, माइक्रो प्लस नैनो। इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। साथ ही इस फोन के सेंसर की बात करेगी, कौन से सेंसर आपको देखने को मिलता है। सोनी के फोन में जितने भी सेंसर आपको मिलते हैं, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सभी सेंसर आपको इस फोन में मिलेंगे। ये तो थी इस फोन की मेन जानकारी जो जानना बहुत जरूरी था, जो हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं आखिर इस फोन को हम परचेज कर कहां से सकते हैं। इस फोन को आप gearbest.com से खरीद सकते हैं या फिर इस फोन के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये फोन अभी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लेवल पे लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। तो चाइनीज लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले, बाकी इंडिया और अदर कंट्रीज के लिए आप इस तरह से परचेज। वैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां जो लॉन्च कर रही है अपने फोन, इंडियन कंपनी कॉल्ड बियॉन्ड ने भी अपना एक फोन लॉन्च किया था बजट डिवाइस, जो कि अच्छा फोन लग रहा है स्पेसिफिकेशन से, अब फोन आने के बाद पता चलेगा। वैसे मैं इस फोन को अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करने वाला हूं, तो आपको फ्यूचर में ये सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के फोन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, बोलते रहिए जय हिंद जय भारत।